आजा बेटी। कितनी दूर आ रहे हैं? बस ये रहा यहाँ सामने। पैर दुख गए पिताजी मेरे। पैर दुख गए? नहीं नहीं बेटी, पैर नहीं दुखे। अक्सर होता है क्या कि जब ज्यादा चल लेते हैं तो दर्द हो जाता है, वो दुखे नहीं है। आजा। ओ पिताजी। आजा बेटी, आजा। ये आ गया घर, मैं बुलाता हूँ। बेटी, हाय बेटी। पिताजी। बेटी 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 बेटी। ओह माय गॉड पिताजी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप आ गए हो। कितने दिनों के बाद मिले हैं ना? मैं भी। मेरी याद नहीं आती आपको? अरे बिखिली बेटी, मुझे बहुत याद आती। काजल, तू अपनी दीदी से गले नहीं लगेगी? तुम मुझे देखोगी तब ना। क्यों नहीं देखूंगी, कितनी सुंदर लग रही है जींस वींस पहन के। मेरे जीजा जी थे तो मुझे पहनने ही नहीं देते। क्यों? तुम पहना कर बेटी। वो आपके दामाद जी मुझे पहनने नहीं देते पापा। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे कपड़े लाके दिए हैं। अच्छा, अभी इसको छोटी है ना इसलिए। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना अंदर। अरे बेटी, दामाद जी कहाँ है? अरे आप आइए, उनसे मिलाऊंगी। ठीक है ठीक है, आओ बेटी। बेटी बेटी बेटी। अरे पापा, अरे ला बैग मुझे दे दे। पुत्री, गई मैं तो। हंसती बहुत रही। पापा तुम्हें पता है, जब आप आ जाते हो पता नहीं मुझे क्यों इतनी अजी आती है, आशा होती है पिताजी की। मैंने डमरू बजाया था क्या तेरी शादी में, इसलिए हंसी आती है तुझे? वैसे डैडी आप लगते भी मदाड़ी जैसे हो। ओ दीदी चुप बेटी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मदाड़ी बजाते हैं ना डमरू तो। परेशान दमाजी कहाँ है? दमाजी मुझे लग रहा है शायद बाहर गए या तो फिर अंदर किचन में होंगे। किचन में? और हमारी चीजा जी किचन में? सासू माँ। हाँ। वो भी अंदर ही होंगी। वो भी अंदर है बेटी। हाँ। उनसे भी मिलवा मुझे। अरे पिताजी, वो मेरी सास हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी जीजा जी से तो मिलवाई है ना? अरे यहाँ किचन में मुझे लग रहा है कुकिंग कर रहा है। तुझे बहुत ज्यादा? हाँ मेरे लिए, खास मेरे लिए कुकिंग करते हैं वो। लगता है खाना वही बनाते हैं। तो बनाती नहीं, ठीक है मैं ही जाके मिल लेती हूँ। ठीक है जा। अरे बड़ी शैतान है। अजय पिताजी, मैं आपको माँ जी से मिलवाती हूँ। माँ जी से? हाँ। मुझे भी मिलवा। हाँ। संदन से। हाँ, बिल्कुल पिताजी, आइए ना। चल बेटी, चल चल। बड़ा मिस कर रही थी आपको। रसगुल्ला। माँ जी, माँ जी, माँ जी, पिताजी आपको याद कर रहे थे। संधन संधन। राम राम समझी जी। ना है हमारा। अच्छा। रिवाज ना है जे। हाँ, गले मिलने की रिवाज। हाँ, नहीं है? नहीं, दूर से बात करने। समझन वैसे एक बात कहे तुमको। हाँ बोलो। हमारे यहाँ तो रिवाज पुच्ची लेने की भी। अरे तुम्हारे पर लेने नहीं देती है। हमारे यहाँ नहीं है ये रिवाज, हमारे वो घर वाले देख लेंगे, चिल्लाएंगे इसके ससुर। हाँ। मैं तो अपनी बेटी की भी पुच्ची लेता। हाँ ले लो कोई बात नहीं, हम नहीं ले देंगे। पिताजी माँ जी, पिताजी बहुत दिनों में आए ना, देखो आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है पिता। चलो लड्डू खिला। मुझे बहुत पसंद। आप एक काम करिए, आप तैयारी करिए। अच्छा, समधी तो बाहर विदेश में जो है क्या? हाँ, हाँ। पापा तो किसी काम से कनाडा गए हैं। तो ये भारी कैसे हो रही है दिन पे दिन? अरे ऐसे ही है ना, घर में अच्छा खाना पीना है तो खूब मोटे ताजी है ना ये। बड़ा भारी हो रही है तो। वो कहा समझी जी, बहू कुछ काम नहीं करने दी मुझे। बेटी बेटी मैं बैठी रहती हूँ आराम से। अच्छा। यूं करके भारी हो गई है। वैसे अब पिताजी, अब मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। हाँ बहुत मेरी बेटी डाइटिंग डाइटिंग कर रही है मेरी बेटी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटी। अस्पताल ले थे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कर रहे ना, सांसी ले रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। पिताजी को पैनिक अटैक आते हैं। अच्छा, बस मुझे बस ये कि हमेशा एक पुच्ची 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 पुच्ची। नहीं नहीं, वो मैं बताऊँ, एक नर्स का नाम है पुच्ची। पुच्ची? हाँ हाँ, वो हमारे गांव में एक नर्स बैठती है, उसका नाम है पुच्ची, उसके उससे पिताजी का इलाज चलता है। मैं ये कहता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ मेरे लिए लड्डू खिला देती। हाँ लड्डू। हाँ लड्डू लड्डू। चलिए माँ जी, चलो 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 पिताजी। चले बेटी। और दामाद जी कहाँ है, उनसे भी मिलवा। हाँ दामाद जी नहीं दिया, अंदर ही होंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तुम मस्तानी कब आएगी तू। जीजू। जीजू कौन? मैं। तू कब आई? अभी जीजू। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फसल मैं जी बना रहा था। वैसे साली साहिबा आई कब आप? बिल्कुल अभी अभी। अब जाना मत कभी। मेरा कहने का मतलब है और कोई भी आया है? हाँ कौन? पिताजी वो खड़ी हुई झूठा। मेरा कहने का मतलब है
आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं। और बताओ कॉलेज वॉलेज कैसा चल रहा है भाई? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास और स्टडी वो भी, और उसके बावजूद खेलकूद सब कुछ अच्छा। अच्छा बस आपकी याद आ रही थी तो चली आई। याद आ रही थी या कुछ और भी आ रहा था? नहीं फिर सिर्फ याद। अच्छा सिर्फ याद आ रही थी, चलो अच्छी बात है। कुछ खाया पिया? अभी नहीं। तो ठीक है मैं मैगी बना के तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, जब तक मैं ससुर जी से मिलने चलता हूँ, जब तक ये मैगी उबल भी जाएगी। जी कुकिंग आप ही करते हैं? नहीं नहीं आज मन किया, आज था संडे और संडे वाले दिन मैं अपनी वाइफ को कुकिंग नहीं करने देता, क्योंकि हम 7 दिन मैं का 7 दिन वो घर पे काम करती है और 8वें दिन मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कोई भी तकलीफ में रहे। ऐसा ही पति मुझे भी मिले, दीदी को मिला है। मैं ही मिल जाता हूँ ना। क्या मेरा कहने का मतलब ये, पिताजी कहाँ हैं? बाहर। चलो ससुर जी, ससुर जी। कौन? दमाजी, दमाजी। एक दिन ऐसे बाहर ना निकल जाए तुम्हारी। मेरा कहने का मतलब ये, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ MDH के मसाले का काम बंद कर दिया क्या आपने? आपकी शकल ऐसी लगती है मुझे, एकदम कुबड़े जैसी। ये बदसलूकी वाली बातें ना किया कर। अरे आप जैसा जलील आदमी हो तो बदसलूकी में मजा आता है। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ क्या खाएंगे आज? वैसे दामाद जी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा, मेरा मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दामाद जी। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक है आप? पिताजी तो कनाडा गए ना। कनाडा? हाँ। वो जब से लौटे नहीं गए। नहीं आए थे बीच में फिर दोबारा चले गए। तो तुम्हारी माता जी रहती कैसे हैं उनके बिना? जैसे आप रहते हैं सासू माँ के बिना। वो तो कब की स्वर्ग सुधार गई। हाँ तो उनके उनके पति खराब थे ना इसलिए। हाँ। वो उनकी उनकी उनके पति खराब थे ना इसलिए वो स्वर्ग सुधार गई। अच्छा। मेरी मेरी माँ के पति खराब नहीं है इसलिए वो स्वर्ग नहीं सुधार। तुम्हारी माँ के पति खराब नहीं है? नहीं पति 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 एक दिन ऐसी सांस लेते लेते भगवान करे आपकी सांस निकल जाए। मेरा कहने का मतलब ये, सांस की बीमारी खत्म हो जाए, आप स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त हो जाए। मेरा बचपना ऐसे ही गुजरा है। कैसे? जैसे रुआब जिंदा है। हाँ। जवानी जिंदा है। कहीं आप ना निकल जाए। वैसे दामाद जी ये वाली बातें छोड़। वैसे एक बात बताइए, कहिए आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं? बेटी? हाँ हाँ बेटी 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 बेटी, बेटी। अरे ससुर जी मुझे ये बताइए, आपको आदत है या आपको, मुझे एक दिन बताया था आपकी बेटी ने, तो आपको पैनिक अटैक आते हैं? पैनिक अटैक? हाँ। वो बदतमीज है मेरी बेटी। बदतमीज है? एक दिन तो वो ये भी करी थी, पापा रात को सोते में डमरू बजा रहे थे पैनिक अटैक की वजह से। क्यों? अरे रोक ली मैंने, क्यों बजा रहे थे डमरू? वो डमरू इसलिए बजा रहा था, जब सुबह थी मेरी तब मैंने एक मदारी को देखा। हाँ। वो डम डम औकात याद आ गई अपनी पुरानी है ना। अरे बस डमरू बजा रहा था, वही चीज मुझे रात को याद आई। हाँ वो अपनी पुरानी औकात याद आ गई। मैंने फिर शाम को सपने में, अरे बस करिए डमरू की जगह आपकी सांस ना रख जाए। वैसे खाएंगे क्या आज? हम क्या खाएंगे? हाँ वैसे एक बात बताएं, खाने तो हम बहुत कुछ आए हैं। जूते रखे हैं, मेरा मतलब कहने का ये है कि क्या बनवाऊं? देखिए मैं बताऊं आपको। हाँ। बात ये है कि हमें आप बच्चा बच्चा आप दूंगा किसी दिन। कब देंगे? आओ अभी अभी भेज दो बेटी को। मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब बच्चा, अरे बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? अरे अभी तो समय हुआ ही क्या शादी को, अभी 1 साल शादी को हुआ, थोड़ा समय दीजिए, अनुकूलता भी एंजॉयमेंट का टाइम है। अच्छा मुझे तो लगा कि बच्चा को 9 महीने में कर करा के आप बाहर फेंक देंगे। कैसी बातें कर दे, आपको ये बलगड़ी फैलाने में अच्छा लगता है? वैसे एक बात बताऊं मैं आपको। पूछिए। मैं चाहता हूं कि मेरा एक पोता, पोता नहीं मेरा एक, हाँ वो नाती, मतलब कि देवता नाती, देवता नाती हो मेरे कंधे पे बैठे, कंधे टूट जाएंगे। मैं जब, मेरा मतलब है बेटी भारी है ना, बेटा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। बेटी 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 सांस ना निकल पड़े, सांस के साथ दांत ना निकल पड़े, क्योंकि नकली है ना आपके वो, लगवा रखे हैं और कल परसों तो छूट गए थे, फैन को डाली और मैंने अंदर दबा लिए, फंसा लिए। खाएंगे क्या? मैं खाऊंगा लड्डू। लड्डू? लड्डू लड्डू। हाँ खिलवाता हूँ। बाजरे के दांत तो है नहीं है, नकली है। क्यों? बाजरे के लड्डू होते हैं ठोस, और जब उनको आप चबाएंगे तो दांत जाएंगे ये टूट, क्योंकि ये है मसाले के दांत। नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं टूटेंगे। हाँ मैं ये कहता हूँ। और बाजरा गर्म होता है, निकल जाएगी। मैं खाऊंगा तुम्हारी माँ के हाथ के लड्डू। मेरी माँ के हाथ के लड्डू एक दिन क्या कहते हैं, एक बराबर वाले पड़ोसी ने खाए थे। हाँ। उसके बाद तो दोबारा लड्डू खाने लायक ही नहीं रहे।
खिलवाऊं लड्डू माँ के हाथों के? खिलवाओ, पर उसमें अरारोट कम परवाना। अरारोट? लड्डू में अरारोट कहाँ पड़ता है? पड़ता तो है, करकरा पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे? अरे अरारोट नहीं पड़ता, वो ऐसा होता है करारा करने के लिए, उसकी सिकाई थोड़ी हार्ड की जाती है। वो ही करवाओ और फिर उसे तंदुरुस्त बनवाओ, फिर हम उसे खाएंगे, पेट में जाएगा फिर? और फिर वो हमें तंदुरुस्ती देगा। अरे बस करो, आओ लड्डू खिलवाता हूँ। लड्डू खिलवाओ मुझे, आ खिलवाओ। वैसे एक बात तो है, आज तक तुमने कोई अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया भाई? क्या जरूरत है? क्यों, जब इतना क्यूट जैसा जीजा है। अरे जीजा अपनी जगह है मानता हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड की जगह थोड़ी ले सकता है जीजा। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, लेकिन ये जीजा साली का रिश्ता हमें अब एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आने देता। नहीं आने देता? हाँ आ जाएगा। हो जाएगा? हो जाओगी मेरे नजदीक, बन जाओगी मेरी। हाँ। और तुम्हारी दीदी को पता लगा तो? कुछ पता नहीं लगेगा दीदी को। हाँ दिल निकला छुपा रुस्तम, छुप छुप कर प्रेम कहानी चलती रहेगी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा वो खड़ूस बाप है ना, हमारे बारे में कभी नहीं मानेगा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस बातें कर रहे थे। बात कर रहे थे? हाँ। दोनों बाहों में डल के बातें होती हैं, दोनों बाहों में। अरे पिताजी 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 कुत्ते की तरह हाँपते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये देखिए जीजा साली का रिश्ता है। हाँ। और जीजा साली के रिश्ते में ये सब कैजुअल होता है कि नहीं? अगर उसे पता लग गई हाँ तो खाल में अंदर तक घुस भरेगी। आपने भी तो भर लिया है। मेरा कहने का मतलब ये, सही कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरी बेटी से दूर रहिए, इसकी शादी करवाऊंगा मैं। किस से? तुमने इसके साथ कोई ऊंच नीच वाली हरकतें कर दी, हाँ मेरी बेटी कुंवारी पिताजी पिताजी आराम से कुंवारी रह जाएगी। चलिए मैं इसे कुंवारी नहीं रहने दूंगा, शादी से पहले इसे क्या कहते हैं ऐसा कर दूंगा कि ये कुंवारी नहीं रहेगी। मैं चलता हूँ, वैसे भी आपकी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, है क्या नहीं? और आप दोनों बाप बेटी बात कीजिए, बाय। तू इससे बच के रहा कर, मुझे भरोसा नहीं है। जी पिताजी। हाँ ठीक है, समझ में आया? हाँ पिताजी आ गया। हाँ आ गया? नहीं आया? हाँ पिताजी। अब मैं चलूँ पिताजी? चलो। हाँ। चलो कि बच्ची, ये बहुत शातिर इंसान। पिताजी पिताजी आराम से आराम से आराम से पिताजी। ठीक है चल। आइए आइए आइए। अपनी बड़ी बेटी से दामाद जी की शिकायत करता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच कर दी, मैं अपने मुंह पे कालीन पुतवाया नहीं चाहता। बेटी बेटी बेटी। अरे पिताजी आप बहुत हंसते हैं। पिताजी मुझे हंसी इसलिए आती है। अब पिताजी अच्छा ये बताइए, आप रवि से मिले? रवि से? हाँ। उसी की तो शिकायत करने आया हूँ मैं तुझसे। शिकायत? हाँ। समझी नहीं मैं कुछ। मैं समझाता हूँ। हाँ। तेरी छोटी वाली बहन पर हाँ। इस कदर डोरे डारे हुए हैं कि ये समझ ले मैं नहीं जानता, अगर वो कल कड़ावा को तेरा पति अगर तेरे मुंह पे और मेरे मुंह पे कालीन पुतवा के भज गया, तेरी छोटी बेटी को लेके मैं कहां देखता डोलूंगा। पिताजी मुझे लग रहा है आप डमरू बजाने के चक्कर में आपका दिमाग डमरू हो गया है। मैं सही कह रहा हूँ, वो दोनों चुपटम चुपटी कर रहे थे। सच कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ मैं, चुपटम चुपटी, हाथ में हाथ मिला रहे थे, शरीर से शरीर मिला रहे थे। अच्छा तो मुझे विक्की से बात करनी चाहिए। विक्की से बात करनी चाहिए? विक्की 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 नहीं है। हाँ? वो तेरा पति। ओ रवि 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 रवि। अरे पिताजी पता नहीं मुझे अपने बॉयफ्रेंड का नाम याद आया। तेरी की तू मरी अपने प्यार के जाल में कूद के मर के। नहीं पिताजी आप तो जानते हैं ना, आपने भी तो माँ से प्यार किया था ना। माँ से प्यार किया था मैंने, पर तेरी माँ से ऐसा प्यार थोड़ी किया था जैसा कि तू कर रही है। आज तेरी शादी हो गई, कल को बच्चा हो जाएगा और उसके बाद मैं भी तू। पिताजी बस 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 आगे मत बोलिए, आगे बोलोगे तो हो सकता है पूरी बात ही ना हो पाए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, है ना पिताजी? इसलिए मैं कहता हूँ दिल की बातें दिल में रखो। हाँ समझ में आया। पिताजी देखिए क्या दिखा, आप तो हमेशा मेरे मुझे हमेशा समझते हो। हाँ। पिताजी आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं ना। क्या विक्की है कैसा? नहीं मानेगी।
कुआ चुल्लू हर पानी में डूब के मर जा। पिताजी मैं कहता हूँ चुल्लू 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 चुल्लू। खैर उसकी बात छोड़ो, अब मेरी शादी हो गई ना। शादी हो गई तो फिर शादी पे ध्यान देना, ये फालतू बातों पे क्यों दे रही है। कल को तेरा पति मेरी बेटी को भजा के ले गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक ही तो है पिताजी, मैं विक्की के साथ चली जाऊंगी। अच्छा और मैं किसके साथ जाऊंगा? पिताजी वो जो गांव वाली चाची थी ना, आपको बड़ा पसंद करती है वो। चाची? चाची तो कल ही चार कंधों पे लटके गई है, उसकी याद मर गई। मैंने रात भर पानी भराया है, लोगों ने बाल्टी भर भर के डाला है। मतलब रात भर रोया आप? रात भर रोया। ओह माय गॉड पिताजी, आई एम सॉरी, मुझे मैं आपके दिल को डेस। पिताजी आपने मेरा चंडी रूप नहीं देखा। अरे पिताजी आप बस करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी रवि की बैंड बजाती हूं। अभी बजा बैंड? हाँ। और उसको बोल मेरी और उसकी माँ की भी। माँ की भी बजा। हाँ आओ पिताजी। रवि बोला इसको। मैं बात करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन पे? क्या मेरी बेटी पे तूने डोरे डाले? हाँ डाल चुका हूँ मैं। मुझ पे नहीं तो मेरी बहन पे। अरे तुम्हारी बहन में तुमसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम इतनी सुंदर, इतनी क्यूट, इतनी मासूम सी, इतनी चुलबुली सी, इतनी अच्छी सी, इतनी प्यारी सी, बस ज्यादा मत बहो भावना हो। नहीं मानोगी, नहीं मानोगी, नहीं। पिताजी आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे थे, आपको शर्म नहीं आई? अपनी करतूत थे आप मेरे पति से पति पर रख रहे थे। अपनी करतूत का मतलब कि जैसा पति? अपनी करतूत थे मतलब, मतलब क्या मतलब? ये कि बता रहे थे कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, छोटी वाली के साथ चल रहा है। अरे मेरा कहने का मतलब है साली और जीजा के बीच में तो चक्कर चलता है ना भाई। अच्छा, वो वाला दोस्ती वाला। इसने इसने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की, दोनों चुपटम चुपटाई खेल रहे थे। हम भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। हां एक मिनट, चुपटम चुपटाई चुपटम चुपटाई। पिताजी तुम्हें पता है वो जो मौसी है ना हमारी? मौसी? हां उनके दामाद के साथ भी तुम्हें चुपटम चुपटा करती थी क्या? नहीं नहीं मतलब वो नहीं। तूने महान काम किया है, महान काम। महान काम किया तो भेजो फिर लड़की को। हाँ भेजू। अरे मेरा कहने का मतलब है मेरे पास बात कर लेगी थोड़ी बहुत। क्यों? छोटी वाली क्यों कर लेगी? अरे मेरे पास बैठेगी, जीजा को अगर बताएगी तो मैं उसे स्टडी में मदद करूंगा, उसे आगे बढ़ाने के लिए मदद करूंगा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। देखो तुम तो बुढ़ी हो गई हो तो मैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे उसके भविष्य के बारे में दिखाई देता है, उसका भविष्य में आगे बढ़ना जरूरी। जाओ तुम सोचो मत, भेजो उसे। हाँ जाओ जाओ भेजो तुम उसे, जाओ जाओ भेजो उसे। बेटी बेटी बस करो, नाचो मत नाचो मत नाचो मत। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ससुर जी, ये आप अपने इतना जल्लाद जैसा दिमाग लाए कहाँ से हैं? जल्लाद जैसा दिमाग? हाँ तुमने जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है। बदसलूकी क्या? चुपटम चुपटाई। मैं तो समझ रहा हूँ कि चुपटम चुपटाई की जगह और भी कुछ कर दूँ। क्या कह रहा है? बेटी 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 बेटी। अरे रुको तो सही, मेरी जान रुको तो सही। देखो मैं तो ये चाहता हूँ, देखो क्या एक एक बात इमेजिन करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद दोनों। अब इमेजिन करो एक दामाद, बोलो ठीक है एक दामाद, बड़ी बेटी उसके साथ में, बड़ी बेटी उसके साथ में लेटी है बेड पर। तो क्या कर रहे हैं दोनों? दूसरी बराबर में लेटी है। फिर क्या होगा? फिर तो तुम समझ ही रहे हो ना क्या होगा। वहाँ तो दोनों कंबल उड़ के सो ही रहे हैं। नहीं नहीं सो रहे, कंबल नहीं है, कपड़े भी नहीं है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और अब मैं सिखाऊं तुझे? हाँ सिखाऊं। आंखें बंद कर ली, कर ली, कर ली, कर ली। ओके ओके ओके। अरे जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास आज कैमरे में। अच्छा आंखें बंद कर। तेरी माँ? मेरी माँ? मेरे पास? बीच में मेरा बाप है? क्या सपना मेरा है ना, तो बाप भी तो होगा उसमें। बाप होगा? हाँ। बाप उधर लेटा है, माँ बीच में। माँ बीच में, तुम इस साइड में मर गई। अगर तूने मेरी मरने की बातें की तो देख लेना तू। अच्छा दोबारा बताओ शुरू से बात। तेरी माँ? हाँ। बीच में? बीच। तेरा बाप साइड में? साइड में। फिर उसके बराबर में? बराबर में। मेरे बाप के? हाँ ठीक है, मेरे बाप के बराबर में। और तीनों एक ही कंबल में? एक ही कंबल में। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, आप सो रहे हो, मेरे माँ बाप क्या कहते हैं बातें कर रहे हैं, और आपकी उतने में मौत हो गई और साथ में सारे रिश्तेदार वहाँ बैठ गए। बर्फ की सिल्ली में लेकर आ रहा हूँ। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। बेटी 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 आवाज नहीं निकलेगी, सांस निकल जाएगी। हाँ
जाओ निकल लो रोते हुए। गया बुड्ढा। बताओ तुम्हें किसी से प्यार है भी या नहीं, या केवल मेरा दिल रखने के लिए तुमने ऐसा कहा? जीजू है। है प्यार? अरे जब ही तो मैं कहूँ मेरी इतनी क्यूट सी साली भाई आज तक अकेले कैसे है? भाई कोई ना कोई महाराजा या राजा ही होगा वो। क्या हुआ? ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, जीजा साली के बीच में बातें हो रही थी। तो ऐसे चिपक के? तो इसमें क्या हो गया, कैजुअल सी बात है भाई। तुम्हारे लिए कैजुअल होगी, लेकिन एक पत्नी के होते हुए तुम उसकी दूसरी बहन से चिपक चिपक के बातें कर रहे हो, दूर से भी तो बातें हो सकती है ना। पायल तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं शक नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति किसी और से चिपक के बात करे। किसी और? हाँ दीदी, और कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? अरे ये जीजू है। जीजू है मैंने माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। दीदी कैसी बात कर रही हो? कोशिश नहीं कर रही थी, तुम गलत समझ रही हो। मैं क्या समझ रही हूँ क्या नहीं समझ रही हूँ आप मुझे मत समझाइए। पायल समझने की कोशिश करो। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। पायल भेद, आपको बुरा लग रहा है ना? जी जी बुरा मुझे इसलिए लग रहा है आपकी माशुका को मैं यहाँ से भेज रही हूँ। पायल शट अप, क्या बके जा रही हो? कुछ कुछ अब मुझे नहीं सुना जा रहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक मिनट दीपा, तुम गलत समझ रही हो पायल, ऐसा कुछ नहीं है। और बात यह है कि ये मुझसे क्या बात कर रही थी, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मैं इससे जबरदस्ती यही पूछ रहा था कि दीपा तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं, या तुम अकेले हो। इसने मुझसे मना कर दिया था, लेकिन आज मैंने इसे कसम देके पूछा तो ये मुझे बताने लगी कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो मैं उसी के बारे में कह रहा था कि मैं पिताजी से इस विषय में बात करूंगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल घास चलने चला गया है। पायल देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तुम इतना छोटा मत सोचो, तुम्हारा दादी हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके साथ किसी और को नहीं देख सकती, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और मैं भी अपने साथ किसी और को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब मेरे पास इतनी खूबसूरत सी बीवी है तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है। और हाँ वैसे भी अगर बीवी ना हो तो साली भी तो उसकी परछाई होती है। अरे मेरा मजाक कर रहा हूँ बाबा, चलो वैसे भी तुम्हारा आज की तुम्हारी ट्रेन है, पिताजी से कह दो निकलना भी है। और सुनो इसको शॉपिंग करा दी तुमने? मैं कुछ ज्यादा ही सोच गई थी। पैचअप करो, पैचअप करो, पैचअप करो। और हाँ वो तुम्हारा सास फूला बाप, वो सॉरी मेरे ससुर, कहाँ है वो? वो मुझे लग रहा है पैकिंग कर रहे हैं। अरे कल तो यार वो बेहोश हो गए मेरी बातों को सुनकर। क्या? पानी मार के जगाया उनको मैंने। बेहोश? मजाक करने की आदत है ना मेरी थोड़ी सी। चलो उनसे कहो सामान वामान, तुम उनका सामान लगाओ। और सुनो उनको कतली बहुत पसंद है, तो थोड़ी कतली जमा के। ठीक है मैं पिताजी के पास जाती हूँ, आप लोग आ जाइएगा। नहीं मैं साथ ही चलते हम लोग। कोई बात नहीं, अब इतना भी मुझे वो मत करो। ओके बाबा ठीक है। ठीक है जीजू, और जो भी शॉपिंग करनी हो अपनी सिस्टर के साथ आज तुम शॉपिंग कर लो, क्योंकि कल शाम को, आज शाम को तुम्हें निकलना भी है। ठीक है ओके। पिताजी। बेटी 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 बेटी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस भी करिए पिताजी। और हाँ देखो वहाँ जाके मुझे फोन करोगे। अच्छा। और मैंने आपके बैग में खाने की अच्छी अच्छी चीजें बना दी है, और तुम्हें सासू माँ के हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना, उन्होंने रात भर आप बैठ के मेहनत करी है, रात के 2 बजे तक। मैंने भी रात को मेहनत बहुत करी है। मैंने भी, हाँ इन दोनों ने तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करी है। देख लो आपकी बेटी को भी पता लग गया, हम दोनों ने मेहनत करी है। हाँ ये तो गलत काम कर रहा है। अरे नहीं वो नहीं, आप ससुर जी तो सोच रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता था। बता बेटे। दीपा को कोई लड़का पसंद है। अरे बहुत, जिसका नाम अरुण है। अच्छा इसका मतलब चोरी चोरी एक्शन हो रहा है। पिताजी हाँ। बहुत अच्छे घर का लड़का है, मैं मिला भी हूँ उससे एक बार। अच्छा बेटा। इसने मुझे अभी कल मिलवाया था। अच्छा तो काफी अच्छा लड़का लगा, बहुत ही अच्छे परिवार से है और बहुत ही ठीक ठाक लड़का है। अगर आपकी अगर इच्छा हो तो क्यों ना
अपनी दीपा के हाथ पीले कर कर दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ, और वैसे भी आप मरने वाले हैं ना कुछ टाइम बाद। मेरा मतलब है कि हम आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। कर रहे हो? अरे आपकी सेवा बायकॉट इंसान है। बायकॉट? बॉयकॉट। बायकॉट। ओके ओके ओके। अच्छा हाँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि जिस वक्त मेरी दीपा की शादी होगी, चवन्नी तुम बटोरना, चवन्नी तुम बटोरना जी, चवन्नी चवन्नी लुटाऊंगा मैं, बटोरना तुम। मजाक कर रहा था। वैसे मैं कहता हूँ कि जो भी हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। आपकी और कोई बेटी नहीं है? और भी अच्छा हो सकता है। अरे मजाक करने की आदत है भाई मेरी। अब जाना है ना आपको? ठीक है, ये आदमी कभी बात। मैं अभी आती हूँ जरा। तुम इनके लिए पाक जमाओ जो मैंने तुमसे कहा था, और मैं इनका सामान पैक करता हूँ। हाँ ठीक है, जा। ये क्या जमाने की बात कर रखा छेड़ू? पाक मतलब की कतली, मेवा, और क्या कहते हैं, खोए से बनी हुई कतली, उसके अंदर मेवा पड़ी हुई होंगी, मेवा पड़ी हुई होंगी, उसको आप रास्ते में एंजॉय करते हुए ट्रेन में सफर करना, और साथ में इस घर से निकल जाना और दोबारा चेहरा मत दिखाना। मेरा कहने मतलब मजाक कर रहा था अभी, बेटी मजाक कर रहा था, प्यार बहुत करता हूँ ना आपसे, सांस के साथ जुबान ना निकल जाए बाहर को। आइए एक एक। क्या हो जाए? अरे बाल जीवन गुट्टी, आपको सांस की बीमारी है ना, हर वक्त गंदी सूंघ। बाल जीवन गुट्टी और पी के भाग।